नारायण नारायण ओ शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिने पुस्तकधारिणीमवद जाड्यान्दकारापः हस्ते स्पाकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्देताम् परमेश्वरीं भव बुद्धे प्रदां शारदा बुद्धे प्रदां शारदा केनाक्षरसमापनायमधिकम्यामहेश्वरा कृष्णां व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शांति अच्छा हलांत नपुषक में चल रहा है जी। ना? जी। है ना क्या शब्द है तुदत्त ठीक है तुदत्त तुदत्त तुदत। तुदत। तुदत का अर्थ होता है दुख देता हुआ तुद व्यथन <coughs> है अच्छा तो तुदत शब्द होता है तुदत तुदत्त जो होता है ना तुद व्यथन है घातु क्या है क्षत्र प्रत्यय करने पर शब्द बनता है तो तकारांत तुदत क्या प्रत्यय है क्षत्र ठीक है तो प्रथम आयुक्क वचन बनता बनता गया तुदत प्रथम एक वचन में तू बन गया और अब अब आ, आ गया द्विवचन तू दत्त प्लस क्या है ओह तू दत्त प्लस ओ ठीक है अच्छा तो देखो ओ को सी आदेश हो गया ओ को सीधा सी आदेश हो गया क्या आदेश हो गया सीधा सी का क्या रहेगा ई है ना कितना रहा तुदत ई तुदत ई अब ये सूत्र है आची नद्योर नो क्या है नद्योर अच्छी सुनते हो क्या आची नद्योर नु। नु। ये नुदत जो बनता है पहले लिखो तुदत बनेगा कैसे तब आप लोगों को में आएगा नहीं तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा है ना? धातु होता है तुध लिखो नोट पर लिखो तुद दकारांत तो है? आगे प्रत्यय हो गया सत्री सत्री क्या प्रत्यय है सत्री का रहेगा अत क्या रहेगा अत कितना रहा तुत आगे अत ये तुद जो धातु होता है तुदादि गण में आता है क्या है जानते तुदादि गण धातु को दस गणों में विभाग किया है महर्षि पानी ने कितने गण में हाँ एक गण होता है जैसे भुआदि एक गण है ना भुआदि उसी प्रकार एक गण का नाम होता है तुदादि क्या गण है तुदादि तुदादि गण का पहला धातु ही तुद है पहला धातु ही क्या है तु, तो तो धातु तुदादि गण में होने से है एक प्रत्यय होगा स प्रत्यय क्या प्रत्यय होगा कौन सा सकार तालवीय सकार वाला स क्या प्रत्यय हुआ होगा सत्रि प्रत्यय परे रहते तो धातु से परे क्या प्रत्यय होगा स हाँ स क्या प्रत्यय होगा स प्रत्यय में कितने बनना है दो, दो। स का तालवीय और अ बराबर है किससे परे हुआ तुद तो धातु से परे स स के पर में क्या रहेगा सत्री का अत मतलब सत्री का जो अत और धातु जो तुद बीच में हुआ प्रत्यय सुनते हो कि नहीं जी। तो बीच में जो प्रत्यय होता है उसको कहते हैं व्याकरण में विकरण क्या कहते हैं विकरण ठीक है पूर्व में प्रकृति हो और उत्तर में प्रत्यय हो हैं दोनों के बीच में जो कोई प्रत्यय आएगा उसको कहते हैं विकरण प्रत्यय क्या कहेंगे विकरण प्रत्यय तो विकरण प्रत्यय कौन हुआ स तुदादिव्य सह एक सूत्र आएगा बोलो सूत्र तुदादिव्य सह हाँ देखो बोलते रहे बोलते बोलने से याद हो जाता है मौन रहने से नहीं होगा बोलना पड़ता है ठीक है तो तुदादिभ्य स से सत्यय हो गया अभी स्वृत्यय का क्या रहेगा ओ क्या रहेगा ओ तो क्या होगा देखो बताता हूँ ये, ये स्वादी आने से पहले बोल रहा हूँ आपको स्वादी तो बाद में आएगा तुदत कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ तुत अ आगे क्या है अत ठीक है अनुराग क्या लिखा आपने बोलो अत अत ठीक है नारायण ये जो अ आगे अत का अ यहाँ पर क्या लगे और लगेगा मालूम है अ कौन में दीर्घ लगेगा नहीं लगेगा अत तो गुणा लगेगा क्योंकि ये तूत के बाद जो अ है ना वो अपदांत है क्या है अपदा अपदांत अ से परे आगे यदि अ हो तो अकर्षण दीर्घ नहीं लगता है पदांत हो तो लगेगा दैत्य प्लस अरी वहाँ पर दैत्य का पदांत है समास है ना ये वहाँ पर दैत्यारी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता ये तो अपदांत है कौन अपदांत है हाँ द के बाद जो अ है वो अपदांत है इसलिए क्या नहीं लगेगा बोलो हाँ क्या लगेगा अतगुण तो तो से पर रूपा एकादेश होता है क्या होता है पररूप एकादेश हो जाएगा है पता हो तो पौरूप जब एकादेश होगा तो अ रहेगा दूसरा वाला अ नहीं रहेगा है कि नहीं ये तात्पर्य एक ही अ रहेगा तो एक ही अब रहेगा तो क्या होगा बोलो तू क्या है तु आ, तुदत तुदत्त को जोड़ दिया सुनते हो कि नहीं ना। ये जो अ है ये अ जो है ना पूर्व रूप एकादश होकर के हुआ एकादश जो होता है दोनों के स्थान पर होता है नहीं क्या हाँ पूर्व में क्या है स का अब उत्तर में क्या था सतरी का अ दोनों के स्थान पर अ बैठ गया दोनों के स्थान पर अ अ हो गया पूर्व रूप एकादेश इसके स्थानीय कितने हैं तो, क्या क्या आ हाँ और आ, जी, और आ, इतना आया अच्छा देखो पूर्व रूप एकादेश होने से पहले कितना था बोलो तो हाँ तूत अत क्या था ये तूत जो अ है गोल कर लो तूत अ ये हो गया अंग ये हो गया और किसको गोल किया अ इतने को गोल किया ये गोल गोल क्यों किया खाने के लिए आ, आलू बोलते ना आलू बचपन बा में ना आलू बना रहे हो आलू बना रहे हो गोल क्यों मतलब आलू बना रहे हो <laughs> तो अंग कौन हो गया तुध ये हो गया अंग सुनते हो हाँ अब क्या हो गया पूर्व रूप एकादेश हो गया क्या हो गया हाँ पूर्व रूप एकादेश जो हो गया ये अभी जो अ ये किसका अ है एक का है कि दो का है बोलो ये जो अभी हुआ ना तुदत बन गया रूप एकादेश जो हो गया ये किसका है बोलो ये अ किसका है दोनों का है ना एक का थोड़ी हुआ क्या अरे संतान जो होता है माता का है कि पिता का है दोनों का होता है है <laughs> कि नहीं ऐसे बगैर जो ये पूर्व रूप एकादेश एकादेश जो होगा दोनों का होता है पूर्व का भी है और स्थानीय का भी होता है है कि नहीं भैया इसलिए देखो यहाँ पे नियम आया ना पहले मालूम है अंतादिव आया सूत्र क्या बोलते है यो यम सब सूर्व से अंत और पूर्व कौन था स का अ स का जो अ था वो अंग का था कि नहीं अंग कौन था तूत अ तूत अ में जो अ है ये अंग का था कि नहीं जी, था ना जी, उसका धर्म इसमें आ जाएगा एकादेश वाला जो अ है एकादश होने के बाद तुदत हो गया तुदत में जो अ है इसमें किसका धर्म आएगा पूर्व का धर्म आ जाएगा सुनते हो जी। तो पूर्व कौन था स का अ उसमें अंग का अवयव था कि नहीं हो जी। अब ये भी अंग का अवयव हो गया अब समझ में अभी क्या हो गया अब तुदत जो बन गया क्या तो तुदत जो बन गया है ना? जी। तो ये अंग का हो गया कि नहीं हो गया जी। अब लिखो अभी तुदत में जो तुद है तुद में जो तुद है ये हो गया अंग अवरणाम हो गया तुद दिख रहे हो अवरणानता अंग कौन हो गया अभी तुद हो गया हाँ अच्छा आगे तुद के बाद क्या बनना है तकार तका। तका। ये हो गया सत्री का अवयव हुआ कि नहीं हुआ सत्री प्रत्यय थाना भी शुरू में जी। ये तकार सत्री प्रत्यय का अवयव है कि नहीं है है लिखते जाओ नहीं तो माथा घूम जाएगा हैं यहाँ से जाओगे पुस्तक खोलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए लिखते जाओ आजकल तो सुविधा हो गई इतनी सुविधा है फिर भी बुद्धिमंद हो जाती है यूट्यूब सुन लेते है ना तो तुदत तुदत हो गया नहीं हाँ तुदत के बाद क्या आया अभी औ ओ, ओ को सी हुआ है कि नहीं? नहीं तो तुदत सी का ई हर्ष है कि दीर्घ है ई दीर्घ है ना अब यहाँ पर घटाना सूत्र को आगे क्या है को सी का ई सी का दीर्घ इकर अब इस सूत्र को लगाओ तब समझ में आएगा आपको आची नद्यो बोलता है अवर्णांतात अंगात पढ़ो यह शत्र पढ़ो ऐसा इतना बोला मैंने आगे बढ़ के तुम अवर्णातात अंगात परो यह शत्रुर अवयवश तदंत नुम्बा सी नद्य हो सूत्रों के घटाना है कल लिखे क्या आप लोग लिखे हो ना और लिखे है तो अब घटाओ यहाँ पर देखो अंगात परो अवर्णांत अंग से परे अवान्त अंग कौन है क्या बोल रहे हो बोलो ठीक अः तूत बोल रहे तुद बोल रहे हो हाँ तुत बोल रहे हो क्या समझ में आएगा तुदा बोलो तूदा। क्या बोलोगे तुदा मतलब अ है उसमें ये तुदा हो गया अवनांत अंग हो गया अवनांत अंग से परे यह शत्र अवयव जो सत्री प्रत्यय का अवयव हो कौन है हाँ तकार, तकार हो गया सत्री प्रत्यय का अवयव हो गया कि नहीं ऐसा सत्री प्रत्यय का जो अवयव हो कौन तकार, तकार. आ, वह जिसके अंत में हो तद वह जिसके अंत में हो ऐसा जो अंग है हैं तुदत हुआ कि नहीं ऐसा जी। हुआ जी। हुआ ना ऐसा अंग को कैसा अंग को तुदत अंग को नोम बा नोम होगा विकल्प से नोम क्या आगम है नोम आगम होगा विकल्प से इतना आया समझ में पर में क्या चाहिए सी नद्यो हो सी सी प्रत्यय पर रहते सी है कि नहीं यहाँ पर सी है है न सी कहाँ पर मिलेगा न सी तो है ना औ को जो सी आदेश होगा नपुषक में तब तो सी मिलेगा प्लस सी प्रत्यय मतलब सी मतलब ओ को आदेश होने वाला जो सी ऐसा सी परे रहते ऐसा सी कल हिंदी में लिखी हो ना क्या लिखे पर में क्या लिखे हैं हाँ सी प्रत्यय मतलब ये लिखो वहाँ पर नपुसक लिंग में ओ को सी जो आदेश होता है नपुसक लिंग में ओ को जो सी आदेश होता है ऐसा सी परे रहते ऐसा घटना है सुनते हो नपुसक लिंग में ओ को जो सी होता है आदेश ऐसा सी परे रहते ठीक है सी आदेश होता है ना ओ को कहाँ पर पुलिंग में किस तिलिंग में नपुसलिंग में होता है ठीक है नदी नदी मतलब क्या गंगा है कि जमुना हाँ नदी आ, नौधी मतलब व्याकरण में गंगा जमुना को नदी नहीं बोलते हैं किसको बोलते हैं नदी यू स्त्राख्य नदी समझ में ना ये नदी है ठीक है चलो गंगा जमुना ये सब नदी नहीं है सुनते हो आ गौरी गौरी क्या है नदी है लक्ष्मी, लक्ष्मी नदी सरस्वती नदी दीर्घ कारण तो हुआ है इसको नदी कहते हैं समझ में आया गंगा जमुना ये सब नदी नहीं है ठीक है ना क्योंकि आकारांत हो गया ना गंगा जमुना आकारांत है दीर्घिकार अंत नहीं है जो दीर्घिकारंत हो और दीर्घ कारण तो हो नहीं नित्य स्त्रीलिंग वाला हो उसमें क्या होती है नदी संज्ञा होती है ठीक है चलो तो सूत्र घट गया पर में सी है कि नहीं जी। है नोम नोम का क्या रहेगा बोलो नकार।, नकार।, नकार किसके पर में होगा हाँ तुदत में जो अ है ना द में जो अ उसके पर में हो जाएगा है ना तो क्या बन जाएगा तुदंती तुदंती देखो दिया है कि नहीं पुस्तक अरे नोम नहीं होगा तो जोड़ दो तुदती है हो गया ना अब जस में अब जस आ गया चलो तुदत्त प्लस क्या है तुदत्त प्लस जस तुदत्त प्लस जस बहुवचन में जस को सी ये हॉर्सईकर वाला सी होता है दीर्घ नहीं तुदत्त प्लस सी का ई अब नूम होगा इस सूत्र से नहीं। क्यों नहीं होगा सी तो है हुँ? सी तो है तो नहीं होगा हाँ हाँ वो तो है लेकिन अच्छी नद्योन्नुम दीर्घ सी बोलता है ना ये तो हर्ष सी है इसलिए अच्छी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा लेकिन है सरनाम स्थान है ना क्या तो सी सरनाम स्थान है इसलिए क्या लगेगा मालूम है बोलो नपुशक झलाचल नपुशक झलाचल लग जाएगा हम तंग है ना भाई धलांता है इसलिए नूम हो जाएगा नित्य होगा कि विकल्प नित्य होता है क्या बोल रहे हो नित्य होगा ना तो नित्य नुम हो जाएगा हो क्या हो? नित्या नित्या हो। नित्या हो। हो तो हो जाएगा क्या बनेगा तुदंती क्या बनेगा तुदंती देखो रूप क्या हुआ बोलो तुदत तुदंती तुदंती कहाँ पर दो रूप हुआ द्विवचन में दो रूप बाकी में तो एक, एक रूप होगा द्वितीय विभक्ति भी ऐसी रहेगी तुदत तुदंती तुदंती, तुदंती तुदती तुदंती हो तुद। आगे आगे तो कुछ होगा नहीं टा में बोलो तुदा तुदता तुदत भ्याम भ्याम में क्या होगा हाँ द हो जाएगा तुदत भ्याम तुदत भी तुदते तुदत भ्याम तुदाद तुदादा, हाँ हे तुदत्त हे तुदंते हे तुदाती हे तुदंते हो गया उसके बाद चलो तो बोलते हैं कि भोजन नहीं करा हुआ तो हैं तो व्यथित तो होगा ही क्या भोजन बना कर खिलाओ तो नहीं खिलाओगे तो व्यतीत नहीं होगा पीड़ा तो होगी ये लो भोजन बनाओ ये लो पच हो गया देखो आगे पचत पचत शब्द हो गया <laughs> कौन शब्द पचत।, पचत।, पचत हाँ पचत पचत ये पचत भी सत्री प्रत्यय है क्या प्रत्यय है सत्री ठीक है ना पच धातु से सत्री करने पर पचत होता है क्या होता है पचत ठीक है पचत का अर्थ पकाता हुआ क्या पकाता हुआ पकाता हुआ हैं भोजन कुछ पका रहा है और क्या चावल पका रहा है रोटी पका रहा है है कि नहीं तो पचत प्लस क्या आएगा सू सू में तो कुछ नहीं होगा पचत ही होगा सो में पचत दकार होगा दकार भी हो जाएगा जी। हाँ पचत पचत पकार तो भी होगा दकार भी होगा हो गया ना अब देखो सी करो पचत प्लस क्या है ओ ओ ओ, ओ। द्विवचन में ओ ना ओ को सी दीर्घ सी सी का क्या रहेगा ई कितना रहा पचत ई पचत क्या है पचत देखो यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त हुआ क्या सूत्र मालूम है नोम क्या अच्छी हाँ ये नित, ये विकल्प नोम करेगा क्या करेगा क्योंकि ये भी तो है ना यहाँ पर भी घट रहा है देखो कैसे देखो बताता हूँ पचत पहले बनाना है ना अंग पचत बनेगा कैसे बनेगा वो पहले समझा दो है पच धातु है लिखो पच सत्री का अत पच प्लस अत पच प्लस अत तो लिखा धातु क्या है पच डुपचस पाके दुपचस पाँच। का पच रहता है डोपचस पाके पाक करना मतलब पकाना इस अर्थ में पच होता है ठीक है हाँ इसी शब्द से पाचक होता है पाचक शब्द पाचक पाचन ये सब हो जाता है पचन ठीक है तो पच प्लस अथ है ये पज धातु भवादि गण में आता है पज धातु किस गण में आता है भादी गण में भादि गण में, में जब आता है इसलिए सप प्रत्यय हो जाएगा कौन सा सप सप लिख लो पच धातु है उत्तर में सत्री का अर्थ है बीच में एक प्रत्यय होता है सप सप क्या है कौन सा शकर है ताल सकार है सब सब का सकार चला गया और पकार भी चला जाएगा हल से हल से इत होकर के क्या रहेगा अ क्या रहेगा अ तो कितना होगा देखो पच अत नहीं समझ में आया तो पूछ लो मौन न रहो कल बतलाया ना क्या मौन ये क्या बोलते मूर्ख से बलम मौनम हाँ ये मौन रहना ये मूर्खों की पहचान है है ना सर्वत्र नहीं <laughs> यहीं पर <laughs> तो पच आगे क्या है अत ये पच का अ आगे अत अत का अ क्या लगेगा वही अतो गुणा से पररूप हो गया हो गया परोरूप नहीं सज आया परोरूप होने पर क्या होगा पचत है हाँ? देखो पहले जो सब था ना पच अ था कि नहीं वो हो गया अंग वो कौन था अंग अंग था कि नहीं अनुराग कौन अंग था पच आगे अ है ना सत्री का अत वो तो हलंत होता है ना हल होता है पच अत अंग कौन है पच अ बोला सब के साथ सब के साथ जो है ना वो अंग था हो गया कि नहीं अब पूर्व रूप एकादेश हो गया पूर्व एकादश कर देंगे तो कितना रहा पचत पचत अब अंग कौन है पच औ के साथ ये हो गया अंग है कि नहीं अनुराग कौन अंग है अभी पच आगे क्या है तकार तो, तकार किसका है सत्री का है है कि नहीं पचत आगे क्या है सी का ई द्विवचन ना देखो यहाँ पर कौन प्राप्त है आशी नो नोम प्राप्त है कि नहीं क्या करने के लिए विकल्प के नित्य हाँ आप लिख लो पचत ई ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में नद्योर नुम इस सूत्र से आचे नद्योर नुम इस सूत्र से विकल्प से पचत को विकल्प से पचत को नुम आगम प्राप्त है नुम आगम प्राप्त है क्या प्राप्त है समझ मे ना हाँ इसका अपवाद करने वाला सूत्र आ रहा है अपवाद करने वाला सूत्र अर्थात नित्यानुम करने वाला सूत्र आ रहा है क्या करने वाला नित्य नुम अब सूत्र देखो ये अंतिम सूत्र है भाई सपनोर नित्यम सब सनोर नित्यम सूत्र में दो पद है सप शनो हो ष्टी का द्विवचन ष्टी का द्विवचन नित्यम ये द्वितीय का एक वचन द्वितीय का एक वचन ठीक है नित्य हो जाएगा <coughs> तो क्या होगा वही कार्य है हा? वो नित्य करता है एक नहीं वो विकल्प करता है ऊपर सूत्र और ये नित्य कर इतना ही है थोड़ा वृत्ति पढ़ लेते हैं

साप और श्यन सप और श्यन अरे भी कौन वृत्ति में कौन सा श्यन में सकार है वो गलत दिया गीता प्रश्न में तालब, तालब लिखो में लिखा क्या लिखा ये श्यन में जो शकार है वो तालब शकार है वृत्ति में सुधारो सुधारे हो, जी, सुधार है हो। जी। क्या है तालव्य है तब तो ठीक है हाँ वृत्ति में सुधार दीजिए सब सेनोर श्यन में जो सकार है तालव्य करो इसको आपकी पुस्तक में क्या है भाई आप लोग देख सुन रहे हैं वृत्ति में सूत्र में नहीं कह रहा हूं वृत्ति में क्या है कौन सा सकार है हाँ हाँ उसको उसको तालिबे करिएगा हाँ उसको तालिबे हाँ जहाँ पर दंते है उसको तालिबे कर लीजिएगा भाई <coughs> वो प्रिंटिंग मिस्टेक है हैं, ठीक है तो देखो और था लिखो शप शा, और श्यन शप और शन प्रत्यय का अवर्ण से परे है ना सप और श्यन प्रत्यय का औकार से परे कहने से भी चलेगा अकार से परे अवर्ण के बदले अकार लिखो सप और श्यन प्रत्यका अकार से परे अकार से परे जो सत्री प्रत्ये का अवयव वर्ण हो जो सत्री का अवयव वर्ण हो ऐसा वर्ण जिसके अंत में हो जिसके अंत में हो ऐसे अंग को ऐसे अंग को नित्य नुम आगम हो नित्य नुम आगम हो ठीक है सी आगे लिखो सी अथवा नदी संज्ञक वर्ण परे रहते क्या है सी अथवा नदी संज्ञा का वर्णन परे लिख दिया जैसे जैसे से पचत प्लस ई जैसे पचत प्लस ई दीर्घ कार ई हो गया ये ई किसका है सी का चीज़ है कि नहीं कहां सी कहाँ से आया हाँ ओ को सी आदेश हुआ क्या सूत्र नपुसका से ओ को क्या आदेश हुआ फर्सो के दीर्घ हाँ दीर्घ मिल गया ना हाँ तो सी हो गया पौरिमित यहाँ पर नदी का नहीं है नदी संज्ञा जहाँ पर जैसे गौरी है सरस्वती है वहाँ पर ये सब होता है यहाँ पर तो उदाहरण किसका है सी का सुनते हो नारायण तो अब देखो हम घटाएंगे पूर्व कौन है पचत है पचत। हाँ पचत चल रहा है ना जी। तो देखो ये जो पचत में जो अ है कि नहीं अ है जी। हाँ, ये जो अ किसका है मालूम है सब प्रत्यय का किसका है पहले था ना हाँ पच अत इतना था कि नहीं था पच अत पूर्वरूप एक आदेश हो गया है हाँ? तो दोनों के स्थान पर अ बैठा है ना पचत हो गया ये जो अ में जो है किसका धर्म आएगा वो सब जो प्रत्यय था अ उसका धर्म आ गया सुनते हो जोगेश जी। है जी। हाँ तो क्या समझ कर लिखना है ये औ, सत्री प्रत्यय का है अ किसका प्रत्यय है प्रत्य। ये किस प्रत्यय का है सब, सब प्रत्यय का है क्या लिखोगे अ सब, सब प्रत्यय का है ठीक रखो इधर ओह न ठीक हो ठीक है ओ किसका है सब प्रत्यय का हो गया भाई हाँ ऐसा आकार से परे कैसा आकार से परे बोलो प्रत्य सब प्रत्यय का आकार है हाँ श्यन का उदाहरण आगे आएगा अभी सब का उदाहरण अ से परे कौन सा बनना है पकार तकार किसका है सत्री प्रत्यय का अवयव है लिखा तकार सत्री प्रत्यय का अवयव है हो गया भाई हाँ अच्छा ऐसा जो वर्ण कैसा वर्ण सत्री प्रत्यय का अवयव जो तकार ठीक है ना रण ऐसा तकार जिसके अंत में हो किसके अंत में भाई पचत पचत के अंग में है पचत शत्री अंग है? है? है कि नहीं सुनते हो पचत हो गया अंग अंग के अंतिम में क्या वर्ण है तकार तकार वर्ण किसका हुआ जब है सत्री प्रत्यय का है और तकार के पूर्व में कौन सा बनना है ओकार औकार किसका है सबका घट गया कि नहीं घट गया अब पर में क्या है तकार के पर में सी सी का ई मिल गया ना इसलिए क्या होगा इसको अंग को पचत को नूम नित्य हो गए विकल्प नित्य होगा समझ में आया हाँ तो नोम का क्या रहता है नकार तो किसके पर में होगा और पचत का जो ओ है पचत में कितने अच्छे है दो, दो प में अ च में अ जो अ है उसके पर में होगा नकार तो क्या बन जाएगा पचांती देखो लिख दिया पचंति हो गया भाई क्या नहीं ये समझ के रख लो अ प्रत्यय का आगे उदाहरण आएगा दिव्यंती में आएगा हाँ जिसको नहीं समझा तो पूछ लेना ओ हो गया ओ का अंग क्या चल रहा है पचत पचत प्लस जस। बोलो जस जस को सी करो जस को शी। शी। सी हर्ष है कि दीर्घ है हाँ क्योंकि बहुवचन है ना सी का ए पचत प्लस ए अब ये सूत्र लगेगा सबसे नितम नहीं।, नहीं।, नहीं वो तो सी दीर्घ बोलता है ना है कि नहीं लेकिन नूम तो होगा इसमें चिंता की बात नहीं नपुंसकस्य जलाचा से होगा झलंत अंग हो गया पचत है ना तो उसको नूम हो जाएगा पचंती क्या बनेगा दिया है ये देखो यदि दीर्घ इकार हो तो क्या समझना है द्विवचन और हर्ष इकार हो अंतिम में तो बहुवचन <laughs> यही व्याकरण पढ़ना पड़ता है हैं व्याकरण से केवल ज्ञान होता है कौन शब्द साधु है कौन शब्द असाधु इसके लिए तो व्याकरण और क्या व्याकरण से शब्द बनता है क्या ये केवल प्रक्रिया है व्याकरण से केवल प्रक्रिया का ज्ञान होता है शब्द तो पहले से है ठीक है अच्छा उसके बाद हाँ प्रथम व्यक्ति हो गई पचत पचंती पचनती फिर द्वितीय व्यक्ति में विषय हो गया पचत पचंती पचनती बोलो आगे पचता पचत पचत भी पचत पचत भ्याम तो है कि दो है भ्याम में दो पचहत दो बोलना है एक दोनों को बराबर नहीं बोलना है ठीक है एक तो अलग है दो अलग है। हाँ त तो भी अलग है थ तो भी अलग है नहीं? नहीं कहीं कहीं दोनों को बराबर बोलते हैं जैसे पत्थर त थ एक ही है कि अलग अलग है लेकिन कहीं कहीं जो है ना पत्थर बोलते हैं क्या बोलते हैं पत्थर कहाँ पर बोलते हैं दक्षिण में बोलते हैं कहीं के पत्थर नहीं बोल पाते हैं। तो, तो अल्प प्राण हो गया थोकार तो हाँ लेकिन दोनों को बड़ा बोला पत्थर बोलते हैं कहीं के बोलते हैं ऐसे नहीं <coughs> अच्छा फिर आगे बोलो टा में पचता पचत भ्याम पचत भी, भी। पचतेभ्याम पचत भ्याम, भ्याम, भ्याम। तो है कि दो पचत सो है, नाएं। नाएं। ना है नहीं मूर्धन्य कैसे होगा नहीं होगा <laughs> हो गया हे पचत हे पचंती हे पचनती अच्छा अब चलो अब आ रहा है दिव्यत क्या शब्द आ है दिव्यत दिब्यत दिव्यत का अर्थ होता है खेलता हुआ हाँ 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 ऐसे ही बोलते हैं हाँ आ, ऐसे है, हाँ ऐसा है ऐसा ही चलो अब जो है दीप धातु होता है धातु क्या जानते हैं दीव दीप दीव, गण में आता है दीप धातु दीबो क्रीड़ा बीजिग व्यवहार अद्वितीय शांति एकांति ऐसे सू आता है बहुत सारे अर्थ होते हैं है ना तो इसमें से मुख्य अर्थ होता है क्रीड़ा मुख्य अर्थ क्या है क्रीड़ा अथवा प्रकाश क्या है क्रीड़ा अथवा प्रकाश, प्रकाश। सुनते हो हाँ तो खेलता हुआ क्या है खेलता हुआ अथवा प्रकाश चमकता हुआ प्रकाशमान होता हुआ ये अर्थ निकलेगा ठीक है ना धातु क्या है दीप थोड़ा लिख लो धातु क्या है दीप दीप ओकारांत है क्या है ओकारांत दीप हाँ ओकारांत है ना तो लिख लो दीप हरसोई का, का है देव दीर्घ कैसे होगा बताऊंगा दीप प्लस क्षत्रिका अत का अत है ठीक है दीप प्लस अत ये दीप धातु दिवाली गण में है क्या गण में है हाँ ये पहला धातु ही है जैसे भुआदि गण का पहला धातु है भू गण का पहला धातु क्या है दीप हाँ दीपो कीड़ा विजिशा व्यवहार दुति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु बताओ इतने अर्थ है दीप के बहुत सारे अर्थ होते हैं लेकिन मुख्य अर्थ तो दो होता है एक तो कीड़ा पहले कह दिया है ना हाँ एक होता है जो है, है दुति ये नहीं 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 का, नहीं नहीं कांति कांति हाँ, मतलब प्रकाशमान क्या है प्रकाशमान प्रकाशमान अर्थ में ज्यादा प्रसिद्ध होता है सुनते हो भाई ऐसा होता है इले दिव्यम है ना दिव्यम कहा जाता है परमात्मा को दिव्यम मतलब क्या प्रकाशमान होता हुआ दिव्यम सुनते हो ना ऐसा होता है और कीड़ा अर्थ तो है ही हो चलो दीप प्लस क्या है अत सत्री का अत तो यहाँ पर दीवारी गण में होने से श्यन प्रत्यय होता है श्यन लिखो क्या प्रत्यय है श्यन किसके बीच में हुआ दीप आगे अत दोनों के बीच में श्यन श्यन में क्या सकार है श्यन प्रत्यय का य रहता है क्या रहता है यह सकार चला गया नकार चला गया तो क्या रहा या य में कितना बनना है दो, हाँ हाँ ठीक ठाक दो रहेगा दीप य आगे अत कितना या का अ है आगे अत का अ है भाई तो क्या लगेगा ओतोगुणे फिर लगेगा ओतोगुणे पर पररूप हो जाएगा पररूप एकादश पहले मैंने रूप बोला थे क्या कई बार हाँ गलत बोल दिया मैंने हाँ हाँ गलती से हो गया पूर्वरूप नहीं होता ओतो गुणे से औतुगुणे से पररूप होता है बोलते बोलते कभी पानी फिसल जाती है <coughs> तो औतो गुणे से क्या होता है पररूप होता है पूर्वरूप नहीं ठीक है तो दीप आगे क्या है पररूप होने पर क्या होगा या। दीप या। यत।, यत।, यत दीप यत ऐसा आने पर सूत्र आता है हलीच क्या आता है हलीच सूत्र से दीप के इकार को दीप के इकार को क्या होता है दीर्घ होता है क्या होता है दीर्घ देग। होता है दीर्घ होने पर क्या होगा देव्यत हाँ क्या बन जाएगा देव्यत हो जाएगा शब्द क्या बन जाएगा देव्यत हो जाएगा ठीक है चलो कभी कभी ऐसे बाणी फिसल गए गलती हो जाती है कि वो सुनने वाले को जो है ना सुनने वाले को भी भ्रम हो जाता है क्या हाँ जो रिकॉर्डिंग सुनेगा ना हाँ इसलिए बड़ा मिस्टेक हो जाता है सावधान होकर बोलना पड़ता है रिकॉर्डिंग के समय कि वो सुनेगा तो वो लिख लेगा वो लिख लेगा तो उनको भ्रांति नहीं हो जाएगी इसलिए औतोगुण से क्या होता है पर रूप पूर्व रूप नहीं शब्द तो वही बनेगा रूप होने पर भी पररूप है लेकिन औतोगुण से पररूप एकादेश होता है ठीक है तो दिव्यत दिव्यत प्लस क्या आएगा अभी सु दिव्यत हो गया शत्री प्रत्यंत कौन सा प्रत्यंत शत्रि प्रत्यंत ठीक है तो प्रथम आयोग चौंती कोई बात नहीं तो बन गया रूप हो? क्या दिव्यात् हो गया भाई उसके बाद दिव्यत प्लस औ दिव्यत प्लस औ औ को क्या होगा सी औ को सी सी का क्या, क्या रहेगा ई हो गया भाई अब ये सूत्र लगाओ नद्यो नोम से क्या है से क्या प्राप्त है इ, 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 नित्य ए नित्य बोले विकल्प से विकल्प से नोम विकल प्राप्त है ओके न जैसे पचंती में प्राप्त था यहाँ पर भी लिख लो दिव्यत प्लस ई में नद्यो नोम सूत्र से विकल्प से नोम प्राप्त हुआ ठीक है भाई जैसे पचंती में जैसे पचंती में ठीक है उसका अपवाद कर रहा है सूत्र सब सेनोर नित्यम सब सेनोर नित्यम कैसे अब देखो समझाते हैं सूत्रकार कहते हैं कि इस सूत्र के वृत्ति में सब आत परो मतलब अ से परे सुनते हो देखो दिव्यत है कि नहीं क्या दिव्यत में जो अ है दिव्यत में जो अ है वो किसका है शन का लिख लो दिव्यत में जो अ है किसका है भाई श्यन प्रत्यय का है क्या है का है ठीक है कौन अ अ से परे कौन सा वर्ण है तो तकार तो हो गया सत्र का अवयव तकार तो हो गया सत्री का का हुआ, ऐसा जो सत्र प्रत्यय का अवयव तकार तो वह जिसके अंत में हो ऐसा अंग कौन दिव्यत हो गया कि नहीं दिव्यत हो गया भाई उससे परे कौन सा है सी सी का ई e है मिल गया इसलिए क्या होगा नोम हो जाएगा विकल्प होगा कि नित्य होगा से प्राप्त था।, था अब क्या होगा नित्य, नित्य, हो नित्य हो जाएगा नित्य हो जाएगा तो क्या बन जाएगा दिव्यन्ती घट गया कि नहीं घट गया ठीक है ओ बेचारा कहाँ लगेगा आशी नद्यो नोम जहाँ पर सब का आकार न हो शन का आकार न हो ये तात्पर्य हुआ कि नहीं हुआ बोलो क्या लिखेंगे लिख लो आचिन नोम कहाँ लगेगा जहाँ पर सब का आकार न हो श्यन का आकार न हो वहाँ पर आचिन नद्य नोम से क्या होगा विकल्प से हो जाएगा और ये नित्य कहाँ पर नित्य होगा सब का आकार हो श्यन का आकार ठीक है सब और श्यन आपको उदाहरण बता दिया और जो पढ़ेंगे अभी तीन घंटा और स्पष्ट हो जाएगा ठीक है तो क्या बन गया बोलो दिव्यन्ती आगे जस में भी ऐसा होगा पतंती की तरह होगा दिव्यन्ती द्वितीय व्यक्ति बोलो दिव्य दिव्यन्ती दिव्यन्ती दिव्य दिव्यभ्याम आएंगे तृतीय है ना दिव्यता दिव्यता भी ही

अच्छा अब देखो कहते हैं कि राम जी कीड़ा करते हैं किस से धनुष बाण से करेंगे कि नहीं है धनुष बाण से क्रीड़ा करेंगे ना ये धनुष आ गया देखो धनुष शब्द लिखो धनुष दंत सकार होता है कौन सा कार दंता सकारांत होता है धनुष लिख दिया धनुष धनुष शब्द नपुंसक लिंग में चलता है किस में चलता है धनुष प्लस क्या आएगा सकार सुख सकार ठीक है नारायण सुख ना? सकार का लुक हो गया कितना रहा धनुष कितना रहा धनुष अंतिम में क्या शक... अंतिम क्या बनना है सकार सकार हो गया पद क्या लगेगा बोलो सो रूहो रू का रेफो हो जाएगा किसको सकार को और रक, रेफो को विसर्ग होने पर क्या होगा धनो हो हो गया धनो हो धोनु में उकारांत शब्द है कि सकारांत है हाँ ये नहीं समझना है कि शंभू का प्रथमा आयोजन क्या बनता है शंभू और धनु का धनु हो ऐसे नहीं समझना है <laughs> क्या आपको क्या मैंने कहा बताइए आप बताइए शंभु है शब्द उकारांत शंबु है, उकारंत है। जी, आ धनु में उंत है हाँ क्या है, है। ले समझना पड़ता है ठीक है जो व्याकरण का संस्कार जिसको होगा वो उकारांत बोलेगा कि सकारांत बोलेगा हाँ विसर्ग होने मात्र से उकारांत नहीं समझना है ठीक है धनु हो आगे क्या है बोलो धनुष प्लस ओ धनुष प्लस ओ ठीक है ओ को सी ओ को सी तो क्या बनेगा धनुषी मुर्दन्ना भी हो जाएगा मुर्दन्ना भी हो गया है किसको सकार को फिर क्या बनेगा धनुषी क्या बन जाएगा धनुषी हो जाएगा ठीक है उसके बाद बोलो उसके बाद बहुवचन धनुष प्लस जस, जस। दस को सी दस को सी सी का ई ठीक है भाई कितना रहा धनुष प्लस ई अंग कौन है धनुष झलंत है झलंत अंग झलंत अंग को क्या होते सरनाम तम करे रहते नूम नु। क्या सूत्र? हाँ नूम हो जाएगा नूम का नकार धनु में जो ऊ है उसके पूर्व में नकार हो जाएगा कि नहीं हाँ तो कितना रहा धनुंस कितना रहा हाँ धनुंस आगे बोलो ई ई है ना हाँ ये जो ई है सरनाम तान है पूर्व में अंग कितना है धनु नकार और सकार नकार और सकार वो संजोग है क्या संजोग कौन नकार सकार आ, संजोग के अंत में क्या बनना है सकार शांत संयोग हो गया इसलिए क्या होगा शांत महत संयोग उसे क्या होगा अनुराग हम्म उसे मकार होता है दीर्घ होता है दीर। क्या होता है तो वो लिखा है शांत इत दीर्घ बोलो मतलब देध शांत महत संयुग सूत्र से उपधा को दीर्घ होगा मतलब पूर्व वर्ण को शांत संजोक के पूर्व वर्ण कौन है उकार, उ मतलब नू में उ नू में जो उ है उसको क्या होगा बोलो दीर्घ हो जाएगा दीर्घ हो गया ना दोब लिख दिया यहाँ पर है हाँ? कितना रहा हाँ हाँ धनु नकार सकार ए सुनते हो उकार धनु नकार सकार ये नकार है ना उसको अनुसार हो जाएगा क्या नशा पदार्थ से झली सूत्र से नकार को क्या होगा हाँ नूह के बाजू नकार है नूम के नकार को है कि नहीं आ, अब नूम है कि नहीं ये। ये। नूम था ना लेकिन देखो नूम विसर्जनीय व्यवाय एक सूत्र है क्या हाँ इसलिए क्या होगा सह क्या बोलता है एक मिनट किसको सकार किया किसको किया एक मिनट मूर्धन ने किया ना नोम विसर्जनीय नोम विसनीय ती सह किसको सकार किया सकार को

सकार है वो सकार को मर्दन्य हो रहा है हैं? वो सकार को मुर्दन्य हो रहा है ना हाँ हो जाएगा लेकिन पर में कौन सा वर्णा है सर है ना एक मिनट एक मिनट मैं देखता हूँ रुको पीछे गया ना एक मिनट रुको हाँ ठीक है ठीक है हो जाएगा हो जाएगा ठीक है तो देखो धनु दीर्घ उकार है आगे नूम का नगर था आगे क्या था सकार उस सकार को क्या होगा मुर्दन्य हो जाएगा क्या सूत्र नूम विसर्जनीय सर व्यवहार इससे हो जाएगा ठीक है ये जो सकार है ना वो प्रत्यय का था सुनते हो हाँ धनुष में जो उस प्रत्यय होता है वो सकार का था अब लिखो बताता हूँ सकार, लिखो भैया तो आपको पकड़ में आएगा कितना होने पर धनु आगे क्या है नोम का नकार अथवा अनुसार कोई बात नहीं आगे क्या है दंत सकार आगे सी का ये अब लिखो ये सकार है वो प्रत्यय का था इतना लिख लो क्या था हाँ जो धनु शब्द बनता है वो प्रत्यय का अवयव था सकार क्या था सकार प्रत्यय का अवयव था इसीलिए सकार को मूर्धन्य होगा सकार को मूर्धन्य होगा किस सूत्र से डोम विसर्जनीय सरबाएपी आप लोग देख लीजिएगा हलंत पुलिंग में है ना भाई तो मूर्धन्य होने पर क्या बनेगा धनुंसी क्या बन जाएगा धनुंसी हो गया भाई हाँ द्वितीय अभिभक्ति में भी ऐसे होगा बोलो हाँ धनुनु धनुषी धनुषी अगर टा में तो सरल है बोलो धनुषा धनुर्भ्याम कैसे होगा रुको धनुष प्लस भ्याम सकार करु सश क्या क्या बनेंगा धनुर्व्यायम धनुषे धनुष्याम धनुर्भ्य धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्य धनुषा धनुष क्या बनेगा देखो रुको रुको धनुष प्लस सु लिखो धनुष प्लस सु क्या है धनुष प्लस सु ठीक है तो धनुष के सकार को पहले क्या होगा रू सस रूह रेफो रेफ धनुर आगे सु है, तो आ, तो है कि नहीं तो रेफो को क्या होगा विसर्ग विसर्ग हो गया ना विसर्ग होगा कि नहीं हाँ तो विसर्ग जब होगा अब क्या होगा मालूम है ये जो विसर्ग है हैं तो बासरी से विसर्ग को विसर्ग होता है विकल्प से किस तरह से और जब विसर्ग नहीं होगा विसर्जन सह हाँ इसलिए दंत सकार भी होगा किसको विसर्ग को लिखो पहले पहले की तरह सकार आ जाएगा तो एक में विसर्ग रहेगा और एक में क्या होगा सकार होगा लिख लो क्या लिखेंगे धनु सु आगे धनुष सु धनुष सु ठीक है भाई कितना रहा धनु सु और आगे धनुष सु और के सकार का मूर्धन्य तो हो जाएगा हाँ, किस सूत्र से मालूम है वही नूम विसर्जनीय पे सूत्र से सु के सकार को क्या होगा मूर्धन्य हो जाएगा ठीक है हाँ सुनते हो कि नहीं? नहीं और ये सकार है के से पहले जो सकार था उसको भी क्या होगा क्या किससे होगा वही स्टूनाष्टू से हो जाएगा स्टूनाष टू से सकार को भी मुर्दन हो जाएगा तो क्या बनेगा बोलो धनुषु धनुषु कितना रूप हो जाएंगे दो. दो हो जाएगा दिया है आपकी पुस्तक में आपकी पुस्तक में देखो तो नारायण आपकी पुस्तक में देख क्या दिया दो रूप दिया, दिया है दिया है हाँ ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा ठीक है बस ओम नृत्तावसाने नटराज राजो नानाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्त का महान विसिद्ध नेता विमर्शे शिव सूत्र जालम ओम